खबर मैनपुरी से है, जहां विधानसभा करहल के गांव विक्रमपुर में मोहकमपुर चौकी इंचार्ज दीपचंद शर्मा पर लगे आरोप। भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का कर रहे थे प्रयास। विक्रमपुर के युवकों ने बताया कि दरोगा दीपचंद शर्मा ने भाजपा वालों का बस्ता पोलिंग बूथ से 20 मीटर की दूरी पर लगवा दिया है और समाजवादी पार्टी का बस्ता 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं लगाने दे रहे हैं। लोकेश यादव, गजेंद्र यादव प्रधान, प्रवीण यादव, अनुज यादव, मनोज यादव आदि लोगों ने बताया कि लोग पानी और खाने के लिए उन्हें पूछने जाते हैं तो दीपचंद शर्मा उन्हें लाठी व डंडा मारते हैं। एक युवक ने बताया कि इनका बीजेपी वालों से अच्छी साठगांठ है। क्या नाम है आपका? अनुज यादव। अनुज यादव, आपने आज हमें बुलाया है यहाँ अपने पोलिंग बूथ पे, क्या समस्या आ रही है आपको? सर, हम वोट डालने गए बूथ पे, तो वो वहाँ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपका वोट मतलब पड़ चुका है, यहाँ से जाए। क्या नाम उनका? दीपचंद शर्मा। कौन है वो? वो चौक इंचार्ज है। कहाँ पे? नंगला कंचन पे। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमने कि सर अभी नहीं डाला, वोट नहीं डाला हमने। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वोट पड़ चुका, आप जाइए यहाँ से। और ये एक तरह से बीजेपी के एजेंट हैं, देखते हमारे पास काफी उनकी फोटो वगैरह हैं। हाँ। बीजेपी वालों के साथ आपको दिखा रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। एक मिनट, कैमरा पे दिखाया जा रहा है, कैमरा पे दिखाएं सामने, ये देखो, जूम करके दिखाएं, जूम कर इधर, ये है देखो, ये हैं। और इससे भी और दिखा रहे हैं हम आपको, जो पट्टा वट्टा डला हुआ है। हाँ। इनके गले में जो लड़का है, बीजेपी का प्रचार कर रहा है, बीजेपी के एजेंट है। ये देखो, ये देखो, ये विकास तोमर है। हाँ। नंगला रना से। हाँ। और ये देखो साइड में ये लड़का जो पट्टा पहने। हाँ। और देखो ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे क्या जाहिर हो रहा है आप लोगों? इससे ये जाहिर होता है ये भाजपा के एजेंट है एक तरह से। हाँ। बिल्कुल वोट नहीं डालने दे रहे हैं, यहाँ पे भगा रहे हैं, बस्ता हटवा दिया तीन जगह से, बस्ता हटवा दिया। कम से कम 6 राउंड हो चुके हैं यहाँ आते। हाँ। कहते हैं यहाँ गुंडा है, ये है वो है, 6 राउंड हो गए। हमारे प्रधान जी को गुंडा बोलते हैं, कहते ये तो गुंडा है, ये 100 गुंडे लगा रखे हैं। राकेश कुमार, गाँव कौन सा है ये? विक्रमपुर। विधानसभा करेल। क्या समस्या? क्या समस्या आ रही है? अरे सर, वहाँ पे बस्ता लगाए थे तो उन्होंने फोर्स ने आगे बस्ता हटवा दिया। हाँ, दीपचंद शर्मा जो चौकी इंचार्ज है यहाँ से। कहाँ पे चौकी पे? नंगला कंचन। क्या कहा? ये गुनिया का बस्ता है, ये है वो, यहाँ से हटाओ, तीन जगह से चेंज करवा चुके हैं। आपका बस्ता चुनाव जहाँ हो रहा है तो से कितनी दूरी पे? आपको बताया भी है 300 मीटर दूरी पे, अब ये 400 पे यहाँ से भी हटवा रहे हैं, देख लो कितनी दूरी हो जाती। क्या और भी कोई दबाव फाव दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा, अगर कोई पानी मंगा रहे हैं पानी भी देने जाते फिर भी नहीं, कहीं नहीं तो नहीं, उसको पानी नहीं देने जाने देते। चाय बाय की व्यवस्था है, वोट डालने जाते हैं, जैसे जाने डालने जाते तो मतलब गेट पे बैठ गए और कहा आप जाइए अपने यहाँ से जाइए, आपका वोट पड़ चुका है पहले ही। वोट भी नहीं डालने देते हैं, कहते हैं वही वहाँ बैठे थे, गेट पे बैठे थे, चल साल कई साले भाग यहाँ से, मतलब आपका वोट पड़ चुका है, वोट डालने से पहले वोट पड़ चुका है ये बोलते हैं। आपने वोट डाला नहीं? अभी भी नहीं डाला है वोट हमने। तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? हमने कहा था उनसे तो फिर उन्होंने भगा दिया, फिर यहाँ से भाग जाओ। समस्या मतलब भैया यहाँ पे बैठे अब बड़े बूढ़े हैं, अब वे वोट डालने गए, अब नए लड़कन को रहता तो बेचारे गिर पाते हैं, भजते हैं, अरे सड़क पर तो बुरखा गिर पा रहे बेचारे, बड़े बूढ़े भी। हाँ, बड़े बूढ़े गिर पा रहे, तो बताओ इनका चोट लगा सो कौन सा? दीपचंद शर्मा। अब मैं तो सो जानता ना, अब जो लड़का जानता है। हाँ, हम तो जहाँ देखते हैं बैठे अब पहले वहाँ बड्डे की कोठी पे लगे। दीपचंद शर्मा दरोगा जी है, दीपचंद शर्मा दरोगा जी है, वोट डालने जाए तो वो डंडा लेके बैठे वहाँ पे और रहते हैं, जब आते हैं बुजुर्ग हो कोई भी हो, जब भी आते हैं। क्या अनुशासनहीनता कर रहे हैं आप? क्या नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे हैं। आपका बस्ता कितनी दूर लगा हुआ है? 300 मीटर। फिर क्यों कह ऐसा? फिर भी कह रहे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाओ बस्ता, यहाँ बस्ता नहीं लगेगा आपका, और उनका वहीं पे लगा है बीजेपी वालों का, और हमारा बस्ता नहीं लगने दे रहे हैं, वोट डालने दे रहे हैं। इवन इंडिया न्यूज के लिए मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट।